सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। वेल आप लोगों की बहुत सारी क्वायरीज आ रही थी कि सर क्लियर किट ली है और पीरियड स्टार्ट नहीं हुए हैं, या कई लोग बोल रहे थे कि ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो वेल आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा कि क्लियर किट लेने के बाद आपको पीरियड्स या फिर ब्लीडिंग कितने टाइम बाद स्टार्ट हो जाती है। तो नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेल गाइज, देखिए सबसे पहले तो आपको पता ही होगा जब आपने किट ली है तो इसमें 5 टैबलेट होती हैं। फर्स्ट जो टैबलेट है उसे मिफेप्रिस्टोन कहते हैं, ये 200 मिलीग्राम की टैबलेट होती है और ये एंटी प्रोजेस्टेरोन होती है। मतलब जब आप ये टैबलेट लेते हो तो ये आपकी बॉडी में जाकर, फीमेल की बॉडी में जाकर, जो प्रेगनेंसी को बनाए रखने का जरूरी हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, ये उसको ख़त्म कर देती है, जिससे प्रेगनेंसी की ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है। काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं कि सर किट ली है तो प्रेगनेंसी प्रोग्रेस तो नहीं कर रही है, बच्चा बड़ा तो नहीं हो रहा। तो वेल जो पहली गोली है उसको लेने के बाद प्रेगनेंसी की ग्रोथ वहीं रुक जाती है, बेबी बनना बंद हो जाता है, ठीक है, तो प्रेगनेंसी ग्रोथ नहीं होगी। दूसरी बात, लोग परेशान हो जाते हैं कि सर पहली टैबलेट ले ली है और ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो गाइस देखिए, पहली गोली से ये टैबलेट अंदर काम करना स्टार्ट करती है, ठीक है, और अबॉर्शन इंटरनली स्टार्ट हो जाता है, लेकिन एक्सटर्नली आपको उसके सिम्टम्स शो नहीं होते हैं, जैसे ज़्यादा दर्द होना या फिर आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होना, ये स्टार्ट नहीं होते। हाँ, हालांकि कभी कभी बहुत ही रेयर केसेस में आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है या फिर हैवी ब्लीडिंग हो सकती है अगर जो आपकी प्रेगनेंसी है बहुत अर्ली टाइम की हो, ठीक है, या कई बारी इस टैबलेट को लेने पर आपको स्पॉटिंग हो सकता है या फिर मितली आ सकती है, उल्टी आ सकती है, वीकनेस आ सकती है, ठीक है, ये इस टैबलेट के, पहली टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स हैं मिफेप्रिस्टोन के। फिर जो पेंडिंग 4 टैबलेट्स हैं मिसोप्रोस्टोल, ये एक टैबलेट 200 माइक्रोग्राम की होती हैं, ठीक है, 4 टैबलेट्स 800 माइक्रोग्राम की हो गई। तो जब आप इस टैबलेट को लेते हो तो विद इन 32-4 आवर्स में, मतलब 30 मिनट से 4 घंटे के अराउंड ही आपको पहले पेन स्टार्ट होगा और फिर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब कितने टाइम तक ब्लीडिंग रहती है, तो गाइस देखिए, अगर आपने सही मेथड से, सही टाइमिंग से अगर आपने ये किट ली है तो फिर आपको ये ब्लीडिंग विद इन 4 आवर्स में स्टार्ट हो जाएगी और ये 7 से 10 दिन तक रहता है अबॉर्शन का जो प्रोसेस है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि क्लियर किट एक लोकल ब्रांड किट है और इसके जो रिज़ल्ट हैं वो अच्छे नहीं मिलते हैं, इसलिए आप कोई अच्छी ब्रांडेड किट को यूज़ करें। काफ़ी लोगों को कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है, सो अगर आप कोई अच्छी ब्रांडेड किट को यूज़ करेंगे तो मच बेटर रहेगा। अब अगर आपका प्रोसेस क्लियर आउट हो जाता है, सपोज करें कि सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है, जो नॉर्मल अबॉर्शन प्रोसेस है वो हमारा 10 दिन का होता है, इसमें आपको 12 दिन भी लग सकते हैं, कहना मुश्किल है क्योंकि ये एक लोकल ब्रांड है। सो अगर आपका अबॉर्शन क्लियर हो जाता है तो फिर पहली गोली लेने के एग्जैक्ट 4 से 6 वीक्स के अराउंड आपको आपके नॉर्मल पीरियड्स आ जाते हैं। तो लोगों की बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग होती है कि सर क्लियर किट ली थी, अबॉर्शन क्लियर हो गया है, हमारा सब कुछ क्लियर हो गया है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, अल्ट्रासाउंड कराया उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन पीरियड्स नहीं आ रहे। सो वेल गाइज, अगर आपने जो जिस दिन फर्स्ट टैबलेट ली थी उससे आप कैलकुलेट कर लेना, अगर आपको पीरियड्स 4 से 6 वीक्स के अराउंड नहीं आते हैं तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसके रिगार्डिंग आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर सारा कुछ सही रहेगा तो आपको श्योरली 4 से 6 वीक्स के अराउंड पीरियड्स आ जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिट रखती होगी। अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको इस चैनल पर हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स ही देखने को मिलते हैं। तो गाइज, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।